सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। क्या कहा सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बिग बॉस 15 ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बिग बॉस रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, जो कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज़ के बारे में घर वालों को अंदर ना बता कर किया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस बार के वीकेंड के वार में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि घर वालों को बिग बॉस के लेजेंडरी खिलाड़ी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। हालाँकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर घर वालों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिग बॉस का वो लेजेंडरी खिलाड़ी जो कि बिग बॉस 13 का विनर था, और उसकी वजह से शायद बिग बॉस 13 को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, और अब तक का वो सबसे ज़्यादा टीआरपी गेन करने वाला बिग बॉस सीज़न भी था। तो ऐसे में यहाँ पर उस सीज़न का विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है, इसके बारे में घर के सभी कंटेस्टेंट को जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आखिर ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से ऐसी जानकारी घर वालों को अंदर नहीं दी गई, तो शायद उसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर घर वालों को इसकी जानकारी दे दी जाती तो कई बार उनके गेम में कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता था। इसके अलावा कई सारे कंटेस्टेंट हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज या फिर बिग बॉस 13 के कई सारे कंटेस्टेंट्स की बिल्कुल प्रतिछवि हैं, तो वो अपने आप को उस पोजीशन पर मानकर उनसे ही कंपैरिजन करने लगते और फिर उन्हें वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा फील ना होता और अपनी लाइफ में अनसिक्योर फील करने रखते। तब ऐसे में यहाँ पर शायद यही एक रीज़न हो सकता है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में घर वालों को ना बताना। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं करण जौहर की, तो करण जौहर ने बिग बॉस ओटीटी के जो वोट में शो आता है वहाँ पर उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया, इसके साथ ही वहाँ पर उनकी वीडियोस और फ़ोटोज़ भी दिखाई गई जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ही अच्छी लाइफ के मोमेंट्स की फ़ोटोज़ थी। तो ऐसे में यहाँ पर बिग बॉस की तरफ से तो मेकर्स ने उन्हें ट्रिब्यूट दे दिया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर घर वालों को कैसे इसके बारे में पता चलेगा। और मुझे लगता है कि बिग बॉस का जब ऑफिशियल सीज़न टीवी पर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो अंदर कंटेस्टेंट आएंगे उनको इसके बारे में पता होगा, और फिर जो कंटेस्टेंट इस टाइम ओटीटी पर हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी। फिलहाल गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद है होती से लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखे रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।